Hello everyone, I am Naveen. Today in this video we are going to learn summary of Honeycomb chapter number 1, 3 questions of class 7. Class 7th English Honeycomb ka lesson jo chapter number 1 hai, us 3 questions uski jo summary hai wo hum Hindi mein samajhte hain, kya isme important points hain, kya bataya gaya hai, usi ke according hum jawab de sakte hain. We can answer according to the summary as well. So let's begin, शुरुआत करते हैं. एक राजा था तो उसके अंदर उसके माइंड में तीन क्वेश्चंस थे. वो तीन क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहता था. पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अर्थात कोई भी किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उचित समय कौन सा है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, अर्थात वो किस तरह के या कौन किस लोगों की बात वो माने या सुने. वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एम टू डू, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम कौन सा है करने के लिए. तो उसने ये भी अपने पूरे राज्य में उसके जो और पास जो लोग थे मंत्री और सबसे ये कह दिया कि जो भी इन क्वेश्चन के मुझे जवाब देगा सेटिस्फेक्शन जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा उसे मैं बहुत सारा जो है पैसा दूंगा. लॉट ऑफ वेल्थ मनी, बहुत सारा पैसा देगा. तो सभी लोग जो है पूरे किंगडम में उसका जो राज्य था उसमें घूमते हैं, देखते हैं, हर व्यक्ति उसे पूछते हैं. बहुत सारे जो है वाइज पीपल लोग आते हैं, बुद्धिमान लोग आते हैं, उसे अलग अलग तरह के जवाब देते हैं. तो कुछ लोग जो है पहले क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, इसका कुछ लोग जवाब देते हैं कि जो है तुम्हें एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई टाइम टेबल अगर पहले से तैयार कर लोगे तो फ्यूचर में क्या पता कब कौन से टाइम पर क्या हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है. कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें जो है एक काउंसिल, एक सभा की जरूरत है, वाइज मैन अर्थात बुद्धिमान लोगों की सभा की जरूरत है तुम्हें, ताकि वो तुम्हें बता पाए क्या कब किया जाना चाहिए. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बहुत सारे अर्जेंट काम ऐसे आ जाते हैं कि हम सभा जो वाइज मैन का जो ग्रुप है या काउंसिल है उसकी हेल्प नहीं ले पाते. कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी. राजा से कहते हैं कि पहले क्वेश्चन का के अकॉर्डिंग आपको एक मैजिशियन की जरूरत है, जादूगर की, वही बता सकता है कि कब क्या करना है. लेकिन राजा पहले क्वेश्चन के आंसर से वो संतुष्ट नहीं होता है. दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग कहते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की उसे बात माननी चाहिए सुननी चाहिए. तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रीस्ट पुजारियों की बात मानो, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर्स की बात मानो, कुछ लोग सोल्जर्स सिपाहियों की बात मानो. लेकिन ये भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, तो राजा इससे भी संतुष्ट नहीं होता है. तीसरा जो क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसे जो है क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है. तो कुछ लोग कहते हैं कि साइंस पर जो है ध्यान देना चाहिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग युद्ध करना चाहिए, कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्शिप जो है धार्मिक पूजा अर्चना ये करनी चाहिए. इससे भी राजा संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो आंसर्स थे सारे क्वेश्चंस के तीनों के वो सब अलग थे. ऑल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफरेंट, अलग थे, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो किसी को कोई भी रिवार्ड नहीं देता है. तो वो तभी एक जो है एक हर्मिट, एक साधु के बारे में उसने सुना था कि एक जंगल में एक साधु रहता है, बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है, शायद वो उसके क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है. तो वो एक दिन जो है अपने एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड को लेकर के और घोड़े पर जो सवार होकर के उस साधु के पास जाने के लिए निकल पड़ता है. तो साधु जहाँ रहता था उससे थोड़ी दूर पहले ही वो अपने अंगरक्षक बॉडीगार्ड को वहां खड़ा कर देता है, घोड़े को ही वहीं खड़ा कर देता है, और बिल्कुल सादा कपड़ों में उस साधु के पास जाता है ताकि साधु उसे पहचान नहीं पाए कि वो राजा है. तो वो उसके पास पहुंचता है तो साधु एक फावड़े से जो जमीन खोद रहा था, डिग कर रहा था, ही वॉज डिगिंग. तो राजा उसे देखता है, साधु काफी थक चुका था, टायर्ड हो चुका था. तो राजा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तीन क्वेश्चंस के जवाब मांगने आया हूँ. वो अपना जो है क्वेश्चंस बताता है, लेकिन साधु चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता, शांत रहता है. तो साधु थक जाता है काफी, तो राजा उससे फावड़ा लेता है, स्पेड लेता है, और वो फिर खुद उस फावड़े से जमीन को खोदता रहता है शाम तक रुकता ही नहीं है. और जब शाम हो जाती है बिल्कुल थक जाता है वो, पूरा काम हो जाता है, तो फिर वो एक तरफ जो फावड़ा था स्पेड था उसे एक तरफ रख देता है. और जैसे वो विश्राम होता है जो बैठने की स्थिति में जाता है, आराम करने की स्थिति में जाता है, तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है चिल्लाता हुआ कराहता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है. तो साधु जो हर्मिट था और राजा था वो उसे देखते हैं और उसके पास पहुंचते हैं. तो देखते हैं कि वो
वो मूर्छित हो गया और उसके पेट पर घाव था, ब्लीडिंग करा रहता था, खून निकल रहा था उसके पेट से। तो उन्होंने कहा कि जरूर ही इस पर किसी ने प्रहार किया है। तो वो दोनों उसे उठा करके अंदर ले आते हैं, उसे जो हमारा हम ड्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो खून था वो नहीं रुकता है। तो राजा उसे बार बार ड्रेस करता है, पट्टी बांधता रहता है, फिर जो है उसका खून बहना बंद हो जाता है। और फिर राजा काफी थक चुका होता है, तो वो जैसे ही वो लेटता है तो उसे गहरी नींद आ जाती है और वो सुबह लेट जाता है। तो जब वो सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि जिस व्यक्ति का उसने जो है इलाज किया था या उसे सही किया था, वो उसके जो है पैरों पर बैठा हुआ है और उससे माफी मांग रहा है। तो राजा कहता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हें मारने के लिए ही आया था, तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी थी और मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा जो बॉडीगार्ड है अंगरक्षक है, उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझ पर हमला कर दिया, इसीलिए मैं घायल हो गया, लेकिन किसी तरह से मैं इधर बच के आ गया और तुमने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूंगा, ऑब्लाइज्ड रहूंगा, और मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन रहेगी, जो भी बच्चे रहेंगे, पीढ़ी रहेगी, वो भी तुम्हारी सेवा ही करती रहेंगी। और वो उसका दोस्त बन गया, फिर जो घायल व्यक्ति था वो उसका दोस्त बन गया और फिर वो वहां से चला गया। तो राजा भी फिर वहां से जाने की इच्छा करने लगा और उस हर्मिट को साधु को पता ही चल गया कि अब ये राजा है। तो राजा ने कहा कि चलो जाते आते मैं एक बार और इस साधु से पूछ लेता हूँ, अगर ये मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दे तो। राजा उस साधु के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि आपने मेरे क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं दिए, बताओ। तो कहता है कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, दूसरा क्वेश्चन व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो साधु फिर कहता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम रहा ये जो तुमने उस व्यक्ति की मदद की, उसी में सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल गए। साधु उससे पहले ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल ही गए। राजा कहता है वो कैसे मिल गए मुझे, कि देखो जब तुम यहाँ पर जो है डिग कर रहे थे अर्थात जो खोद रहे थे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था और उस जगह पर मैं था उस जगह पर, तो सब जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति था वो उस जगह पर मैं ही था। तो वो कहता है, राजा कहता है वो कैसे। तो हर्मिट तब उसे बताता है कि अगर तुम उस जगह पर उसे नहीं खोदते तो मेरा काम ये कंप्लीट नहीं होता और आज मैं ये बीज नहीं बो पाता। और जो वो कहता है कि अगर उस टाइम पर तुम नहीं रुकते और वहां से चले जाते तो जो एनिमी था, दुश्मन था, वो तुम पर हमला कर देता और तुम्हें ही मार देता। तो राजा थोड़ा संतुष्ट हुआ, आप उचित कह रहे हो। फिर कहता है कि उसके बाद में जब तुमने उस व्यक्ति का इलाज किया, वो इम्पोर्टेंट काम था, और उस जगह पर जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति था वो वही था जो तुम्हारा दुश्मन था। लेकिन फिर पूरा जो क्लैरिफाई करते हुए वो साधु कहता है कि इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो नाउ है, अभी अभी जो टाइम है हमारा नाउ है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है या जिस जो सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी बात उसे माननी चाहिए या सुननी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ है, उसी व्यक्ति की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। जो तीसरे क्वेश्चन का उसने जवाब दिया वो ये था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो काम है तुम्हारे लिए वो काम ये है कि अभी तुम्हारे लिए क्या उचित टाइम है, जो जो क्या करना चाहिए, हम जो अभी कर सकते हैं वो काम हमें अभी करना चाहिए, जो काम हमारे अंदर जो पावर है अभी करने की वो काम हमें अभी करना चाहिए, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे लिए या थिंग है। ये तो सिर्फ तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। तो इस तरह से इसने तीन क्वेश्चन का हर्मिट ने जवाब दे दिया कि जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो दिस इज नाउ, एंड व्हाट इज व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, तो ही शुड लिसन टू द पर्सन ही इज विद, जिसके साथ में वो अभी है उसकी ही बात सुननी चाहिए। और जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, तो वो कहता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच ऑफ विच वी हैव पावर टू डू, अर्थात जो काम करने की हमारे अंदर शक्ति है वही हमारे लिए उचित काम है। तो
इस तरह से वो क्वेश्चन के जो आंसर्स उसे समझा देता है कि जिस तरह से तुमने उसकी हेल्प की और तुम्हारा वो शत्रु से एनिमी से फ्रेंड बन गया, दुश्मन बन गया, तो इसी में उसके उसे आंसर्स मिल गए और जो इस चैप्टर में यही सारी बातें बताई गई।